लंका में एक दिन रावण ने यह निश्चय किया कि आज के दिन युद्ध में कोई भी राक्षस नहीं जाएगा, ये देवता जो मैंने बंदी बना रखे हैं ये कब काम आएंगे, केवल ये देवता लोग लड़ने जाएंगे, क्योंकि इन्हें वरदान है, ये मरने वाले हैं नहीं, युद्ध जीत जाएंगे हम। अब गुप्तचरों के द्वारा ये समाचार राम जी के दल में आया कि कल सुबह लड़ने के लिए देवता आएंगे और उन्हें वरदान है कि वो मर नहीं सकते, तो हमारा तो लड़ना ही बेकार हो जाएगा। सब लोग शोक में बैठ गए, माथा नीचे करके, माथे पे हाथ धर के, अब क्या होगा। एक तरफ राम जी भी बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, सुग्रीव है, नल नील अंगद सब बैठे हैं। उन सब के बीच में से अचानक एक आवाज आई, चिंता मत करो, हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, मैं उन सब देवताओं को का उपाय कर दूंगा। सब लोग बोले, तुम भी पागल हो गए हो, देवता मरने वाले ही नहीं है। बोले, मैंने ये नहीं कहा कि मैं देवताओं को मार दूंगा, बोले मैं देवताओं का उपाय कर दूंगा। हर समस्या का समाधान उस समस्या को खत्म करना नहीं है। हमारी धरती में न जाने कितने ऐसे वनस्पति हैं जिन्हें हम खेतों में चाहते नहीं हैं, लेकिन अभी तक हम नष्ट भी नहीं कर पाए और नष्ट होनी भी नहीं है। जो हमारे लिए अनावश्यक है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या तुम उसे दुनिया से मिटा दोगे? नहीं मिटाया जा सकता, तो फिर उपाय क्या है? हनुमान जी ने कहा, देवता मर नहीं सकते ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं उनका उपाय कर दूंगा, मेरे पर विश्वास रखो। सभी लोगों ने कहा कि भाई हनुमान जी कभी झूठ तो नहीं बोलते, और फिर हम तैयार रहेंगे, आसपास कोई बात पड़ेगी तो इनको करने दो। लेकिन जब जब कोई सहारा नहीं होता तो हनुमान जी सहारा होते हैं। हनुमान जी दूसरे दिन गए युद्ध में सुबह और अपनी पूंछ बढ़ाई। अच्छा, देवताओं की सेना कोई ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी सेना थी, पूंछ फैला दी पूरी, जैसे इस फील्ड में पूरे में चारों तरफ से हनुमान जी पूंछ फैला दें, यहाँ तो वैसे भी पंचमुखी हैं ही हैं, तो जैसे पूरे मैदान में अपनी पूंछ फैला दें। और जैसे ही लंका के गेट में से देवता लोग निकले, गिनती करते गए कि फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, लगभग सब आ गए। फिर उन्होंने पूंछ को सकोड़ना प्रारंभ किया और पूंछ में जब देवता लोग आ रहे थे, उन्हें भी पता लग गया किसी गुप्तचर के द्वारा कि कल केवल हनुमान जी लड़ेंगे, और हनुमान जी से तो रावण भी डरता है। जी देवताओं को जिसने बंदी बना रखा था, किसी से नहीं डरता, केवल हनुमान जी से डरता है। तो देवता रो रहे थे रास्ते में, किसी ने कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो? बोले, इसीलिए तो घबरा रहे हैं, इसीलिए डर रहे हैं कि मार खूब पड़ेगी और मर भी सकेंगे नहीं। कम से कम मरने की स्वतंत्रता होती तो मार के दर्द से मर तो जाते कम से कम। अब दिक्कत यह है कि पिटेंगे खूब लेकिन मरेंगे नहीं। राक्षसों का तो क्या था, ज्यादा पिट गए तो मर गए। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे हाथ से वो भी स्वतंत्रता चली गई कि कम से कम मर तो जाते। हनुमान जी ने अपनी पूंछ सकोड़ी और पूंछ में उन देवताओं को ऐसे बांध लिया जैसे हमारे किसान लोग चारे का गट्ठर बांध लेते हैं।
हाँ वारो, वो गट्टर बांध लिया। और हनुमान जी में तो अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम, और पूंछ से ही वो ऊपर उठा लिए, अब छटपटा रहे हैं। और रामादल देख रहा है कि ये कौन सा युद्ध है, पहली बार देखा है, है? उनको पूंछ में उठा करके और हनुमान जी ने छलांग लगाई और ऊपर ले गए, इतना ऊपर ले गए अंतरिक्ष में, जो धरती और आकाश का जो बीच होता है जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, यानी जहां कोई वस्तु पहुंच जाए तो फिर लौट के वापस नहीं आती, ऐसी जगह पर जाके पूंछ से खोला और छोड़ दिया, बोले आराम से मौज करो। और हनुमान जी नीचे आकर के बोले अब युद्ध करिए। अरे बोले देवता आ जाएंगे, बोले अब कभी नहीं आएंगे, अब चिंता मत करो। कथा तो इतनी सी है, अब इसमें सिद्धांत क्या है? हमारे जीवन में जो भी विकार हैं, जो हमारे लिए अनावश्यक हैं, बाधक हैं, उनको मारना नहीं है, उन्हें अपने से इतना दूर पहुंचा देना है, अपने से अलग कर देना है, क्योंकि उनके भी ग्राहक हैं, विकारों के भी ग्राहक हैं। कुछ लोग विकार ही मांगते हैं भगवान से, तो उनको वो ले लेंगे। हमारे जीवन में हमें निर्विकारता चाहिए, तो उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, बस वो हमारे जीवन से दूर हो जाएं, हमारा हम उनका त्याग कर दें, मारने की जिम्मेदारी नहीं है।